बिहार में गर्मी का सितम लगातार जारी है। बिहार की राजधानी पटना में फिलहाल तापमान 46 डिग्री के आसपास है। वहीं अगर लोगों की बात की जाए तो गर्मी से लोग बेहाल नजर आ रहे हैं। रिक्शा चालक से लेकर आम लोग दोपहर के समय जहां तहां पेड़ के छांव का सहारा ले रहे हैं। वहीं गर्मी को देखते हुए शिक्षा विभाग ने 11 से 15 जून तक छुट्टी घोषित कर दी है। आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा हीट वेव को देखते हुए लगातार चेतावनी दी जा रही है, जिसमें लोगों को घर से बाहर निकलने पर पूरा कपड़ा पहनने की हिदायत दी जा रही है। देखिए, बिहार में गर्मी का सितम जो है सातवें आसमान पर है। इस वक्त हम मौजूद हैं पटना के वीर चंद्र पटेल पथ पर और आप आम जनजीवन जो है देख सकते हैं। मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा कि और आगे बढ़कर दिखाएं। जितने भी जो रिक्शा ठेला वाले हैं वो सारे के सारे लोग जो हैं यहाँ पर सड़क किनारे अपनी गाड़ियों को लगाकर आराम करते हुए दिख रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि जिस तरह से जो पटना में पूरे बिहार में गर्मी का कहर है, आप देख सकते हैं कि जितने भी ठेले खोमचे वाले हैं सड़क किनारे अपनी गाड़ियों को लगाकर आराम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जिस तरह से जो आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा जो है रेड अलर्ट जारी किया गया है, मैं आपको बताऊं कि जिस तरह से रेड अलर्ट जारी किया गया है, लगभग अभी जो तापमान बताया जा रहा है 46 डिग्री के आसपास में है, जो कि और दिन चढ़ने के साथ साथ बढ़ सकता है। लेकिन जो शिक्षा विभाग ने बड़ी पहल की है, जितने भी स्कूल थे उसमें छुट्टियाँ दे दी गई हैं, 15 तारीख तक छुट्टी हो गई, साथ ही साथ शिक्षकों को भी अवकाश दिया गया है। लेकिन उमस भरी गर्मी से अब देखना ये है कि राहत कब होती है, कब लोगों को सुकून मिलता है। जितने भी लोग हैं वो गर्मी से बेहाल है। अभी तक का जो रिकॉर्ड रहा है वो रिकॉर्ड गर्मी इस बार पूरे बिहार सहित पूरे देश में पड़ रहा है। और आपको बता दूं कि जो बिजली की खपत है, जो अमूमन माना जाता था कि 770 मेगावाट खर्च होती थी, वो उसका आंकड़ा अब जो है इससे कहीं ज्यादा है। बन रही है रफ्तार मीडिया के साथ, पटना से मैं सुधेंदु रमन।